एक चीज वापस से नंबर हो गई काश, मेरे दिमाग में कभी ऐसा आज भी कभी नहीं होता कि मैं नहीं काश ऐसा कर रही हूं। मुझे जब कोई चीज पता चलती थी, जब मुझे किसी टीचर ने बताया इसलिए मुझे पता चलता था कि मैं अप्लाई कर लेती हूँ। आप भी बस ये काश जिनके भी नीट 2023 में ऑल इंडिया रैंक 1149 सिक्योर हुई है और साथ में इनसे ये भी जानना है कि इन्होंने कैसे 150 से नंबर से लेकर 685 नंबर तक का रास्ता तय किया है, जो कि हमने पार्ट वन पॉडकास्ट के अंदर ऐसे डिस्कशन किया था, उसी से रिलेटेड कुछ जुड़ी बातें हैं। जैसे इन्होंने बोला था कि कंसिस्टेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार होता है कि आपको यदि इतने अच्छे नंबर लेकर आने हैं, तो बस आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन मेरा आपसे कहा यही रहता है कि आपने कह तो दिया कंसिस्टेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है, बनाई कैसे जाए कंसिस्टेंसी। सो हाय एवरीवन, तो पहले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, तो भैया ने पूछा सही है कि यार रखनी तो चाहिए पर रखे कैसे। तो कंसिस्टेंसी रखने का बेस्ट वे है कि आप छोटे छोटे गोल्स बनाएं, मतलब कभी भी ये मत सोचो कि पूरे साल में क्या करना है, ये सोचो कि आज क्या करना है। रोज का काम जैसे कहते हैं ना, अब सब आपने हजार बार बात सुनी होगी रोज का काम रोज करना है, बट नहीं कर पाते क्योंकि ऑब्वियसली हर डे सेम नहीं होता, वो तो ना हाथ की पांचों में सेम नहीं होते, वैसे सातों दिन सेम नहीं जाते, किसी दिन आप कम पढ़ते किसी दिन ज्यादा, वो ओके है। बट रोज कोशिश करो ना, सुबह उठते ही एक दिमाग में होना चाहिए आज ये काम करने हैं। रात तक हो भी सकते हैं, हो जाए नहीं भी हो, वो डिपेंड करता है। क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि हमारे सर कहते थे कि अगर एक दिन कम पढ़ो तो जिस दिन टाइम मिला ज्यादा पढ़ने का उससे ज्यादा पढ़ो, इसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो रोज का अगर आपने बना लिया ना, तो आप एक दिन तो अपने कर सकते हो, बट अगर आप ये सोचो कि एक साल में क्या करना है तो वो नहीं पॉसिबल। कि आप ये सोचो कि पूरे साल में इस महीने में ये करूंगा, इस महीने में ये करूंगा, इस महीने में ये करूंगा, ये सिर्फ बेवकूफी है। क्योंकि टीचर्स को भी नहीं पता होता एक साल में कितने चेंजेस आते हैं, बहुत कुछ अलग अलग होता है, कई बार तबीयत खराब होती है, कई बार हम अच्छे मूड में होते हैं, कई बार बुरे मूड में होते हैं। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रोज का शेड्यूल रखो, एक गोल रखो कि ठीक है आपका जो भी, जैसे मेरे वीकली टेस्ट हुआ करते थे, किसी के 2 वीक से होते हैं, 3 वीक होते हैं, जो भी, तो आपकी में ये होना चाहिए ठीक है इस टेस्ट में अपने को अच्छा करना, एक छोटा गोल की हाँ ठीक है इस टेस्ट में, फिर नेक्स्ट टेस्ट में इस टेस्ट में अच्छा करना है। इससे कंसिस्टेंसी अपने आप धीरे धीरे बन जाती है और एक आदत हो जाती है। एक नीट एस्पिरेंट की आप देखना, जब तक उसने 6-7 महीने पढ़ लिया ना, उसके बाद 8वें महीने वो एक दिन भी नहीं पढ़ता ना, उसको दिन ऐसा लगता है सुना सुना सा लगता है कि यार आज कुछ अधूरा रह गया, उसको एक आदत है, उसको 4-5 घंटे पढ़ने की आदत है, तो इसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो आप रोज का रोज करो तो हो जाती है कंसिस्टेंसी। काव्य मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि यार जैसे आपके स्टार्टिंग में नंबर 150, 200, 250, 300, 400 ऐसे नंबर आते थे, तब यार उस समय क्या होता था कि यार अपने इतना पढ़ते हैं लेकिन फिर भी अपने मार्क्स इतने कम आ रहे हैं, तो आपने उस स्ट्रेस को किस तरीके से ओवरकम किया, तो हाउ टू ओवरकम दिस स्ट्रेस, इस क्वेश्चन को आप प्लीज वीडियो का शेयर करें, क्योंकि काफी बच्चों की बिगेस्ट प्रॉब्लम रहती है कि पढ़ते बहुत है लेकिन मार्क्स नहीं आते। ये जो एक लाइन भैया ने बोले कि पढ़ते बहुत है मार्क्स नहीं आते, ये मैंने बहुत बहुत सुनी है बच्चों से कि पढ़ते बहुत है मार्क्स नहीं आते। तो देखो स्ट्रेस सबको आता है, कोई भी, मैंने जैसे एक बात सुनी थी मुझे पसंद आई थी कि 24 घंटे आप मोटिवेट नहीं रह सकते, एक नए टाइम आता है कि आप डीमोटिवेट होते हैं, आप में स्ट्रेस आता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आप किसी चीज के लिए जी जान से लगे वो नहीं मिलते तो बुरा लगता है इंसान को, बट उस पॉइंट पे जाके रुकना नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूँ तो बहुत बार ऐसा होता था कि आज मैं बहुत पढ़ी रही हूँ नंबर नहीं आते, कई बार ऐसा भी होता था कि कम पढ़ी जाती थी और नंबर अच्छे आ जाते थे, ये होता है नीट में मैंने देखा बहुत सारे बच्चों का, ऐसा होता है कि आज कम पढ़ी गए पर मूड अच्छा होता है, नंबर पेपर में अपने आप दिमाग काम करता है। तो स्ट्रेस के लिए सबसे सही तरीका है कि आप को है ना एक खुद को कोई मंत्र रखना चाहिए, जैसे मैं खुद को एक वर्ड बोलती थी हमेशा, एक मतलब स्लोगन टाइप बोलती थी कि आई कैन एंड आई विल। जब भी मैं ऐसे रुकती थी कि मेरे को लगता यार छोड़ देती हूँ, कई बार होता था कि घर जाने का बड़ा मन करता था, तब मैं बोलती थी भाई यू कैन एंड यू विल, क्योंकि मुझे लगता था कि ठीक है ये वर्ड मुझे एक मोटिवेट करता था। आप भी कुछ इस तरह का मंत्र यूज कर सकते हैं, आपको मेरा मंत्र अगर आपके हेल्प करे तो आप यूज कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रेस को ओवरकम करने का तरीका है कि आप अपने शेड्यूल जो है ना उस पे जब आप फोकस करते हो ना, क्योंकि ऐसे जैसे एमएस धोनी कहते हैं कि आप रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पे फोकस करें, तो अगर आप अपने प्रोसेस पे फोकस करते हैं ना तो आपके पास स्ट्रेस लेने का टाइम नहीं बचेगा। बिलीव में अगर आपको ये पता है ना कि आपको कल कल में इतना काम करना है ना, तो आज अपने आप रोना बंद करके काम करने लग जाएंगे अगर आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है। बट अगर आपको आदत पड़ गई ना काम छोड़ने की कि आज तो मैं रो रहा हूँ काम नहीं करूंगा, तो वो स्ट्रेस आपके ऊपर हावी होने लगता है। इससे बेटर है कि आप ध्यान रखें कि ठीक है ये प्रोसेस है, ये काम करना है, स्ट्रेस अपने आप चला जाएगा। अगर आप मान लो पढ़ रहे हो तो फिर स्ट्रेस को जाना ही पड़ेगा ना, दोनों में से एक ही काम एक टाइम हो सकता है, तो रो सकते हैं पढ़ सकते हैं, तो फिर इसलिए स्ट्रेस को ये तरीका कि आप प्रोसेस पे ध्यान दो, अपना शेड्यूल करते रहो, धीरे धीरे स्ट्रेस
अपने आप थोड़ा कम होने लगेगा, कुछ मंत्र यूज कर लो या फिर आप थोड़ा फैमिली से बात कर लो। ये मैं तो बहुत करता था, पापा से बात करती थी, तो आपके जो भी फ्रेंड फैमिली जो भी आपको लगता है कि सपोर्टिव है उनसे बात करो, तो उससे अपना स्ट्रेस कम होगा। तो इसी के साथ आपको एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि यार मैंने क्वेश्चन ही पूछा था कि पढ़ते बहुत है लेकिन मार्क्स कम आते हैं, इसमें बच्चे काफी दिक्कत प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। देखो यार इसका सबसे बड़ा कारण यदि तुम्हें ऐसे खुद को लग रहा है ना, खुद को रियलाइज हो रहा है कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब तुम सीरियस हो यार। कि जब भी तुम इतने अपने आप पे सोच रहे हो कि यार मैं इतना पढ़ाई कर रहा हूँ तो भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो मतलब तुम अपने आप पे कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हो। अब उसमें स्ट्रेस ना आए तुम पे, इसलिए तुम्हें सोल्यूशन बता दिया दीदी ने, बट स्टिल तुम्हें पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी। जब भी तुम्हारे नीट में इतने अच्छे से रैंक्स आएंगे, इतने अच्छे तुम्हारे स्कोर होंगे, तभी तुम एक अच्छे गवर्नमेंट में एडमिशन ले पाओगे एम्स में, ठीक है? तो तुम्हें भी थोड़ा सा अपना हार्डवर्क करना पड़ेगा। सो इसी के साथ काव्य मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यार व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। तो नीट का जैसे ड्यूरेशन लंबा है, अपने बात करें अगर नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं उनमें वो तो यही होता है कि 4-5 महीने तैयारी करके आप एग्जाम दे दो, हो जाता है। नीट का ड्यूरेशन लंबा है, इसका चैलेंज ये आता है कि अप एंड डाउन बहुत आते हैं ड्यूरिंग द जर्नी। से मैं मेरी जर्नी की बात करूँ, हमारे से 1 डे टेस्ट सीरीज लगती थी, ये सीन था कि 30 डेज है तो अल्टरनेट डेज में एक दिन में बहुत ही अच्छे और एक दिन में बहुत ही डाउन, तो वो एक मन में होता था कि यार क्या पता, मतलब मुझे ऐसे पर्सन लगता था कि मेरा लकी डे था ना उस दिन तो अच्छा है, तो एक मन में बुरा लगता था कि अगर नीट वाला दिन मेरा लकी डे नहीं हुआ और उस दिन कम आ गए तो। तो चैलेंजेस मेरे हिसाब से मेन अप एंड डाउन वाले होते ना, ये बड़े होते हैं उसमें आपको ना, उसको तरीका यही रहता है कि आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। मुझे हमेशा खुद पे फेथ था कि मैंने जब तैयारी की है, जब मैंने अपना बेस्ट किया है, जब मैंने 2 साल पूरा अपने आप को इतना घसाया है, तो इसका कुछ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा ना। ऑब्वियसली बात है मेरे साथ इतना बुरा तो नहीं होगा ना कि मैंने इतनी तैयारी करने के बाद भी कुछ नहीं आता। तो एक खुद पे जब फेथ होता है ना, तब अप एंड डाउन सब अपने आप कोप अप करने लग जाते हो। जब आपको पता है कि आज डाउन आए, तो डाउन आने में ना मेरे को एक मेरे सर कहते थे, मेरी सबसे अच्छी आदत क्या थी, मैं कितना भी रो मुझे मैं 2 घंटा रहूँ, 2 घंटे बाद रोने के बाद भी मैं उस एग्जाम को उठाती थी, उसका एनालिसिस करती थी, देखती थी कि काव्य जैसी गलती कहाँ हुई। और यही बच्चे मार खाते हैं, वो रोते हैं, पेपर फेंक देते हैं, उसे जला देते हैं, उसको दिल कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। आप रो लो, चलो रोना आ रहा है रो लो, बट उसके बाद उसको उठा के देखो तो सही ना। ऑब्वियसली बात है कुछ तो गलती रही होगी ना, जो नंबर कम आए, अगर आपके पहले दिन अच्छे आए तो, या तो टॉपिक वीक होगा, ऑब्वियसली जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है नंबर कम आने का भी टॉपिक वीक है। कई बार हम सिली मिस्टेक्स ज्यादा कर देते हैं, कई बार वो ब्लंडर्स बोलती थी मैं सिली मिस्टेक्स, वो ब्लंडर्स टाइप हो जाती थी। कई बार आप पेपर में मूड अच्छा नहीं होता, आपका ध्यान थोड़ा से डाइवर्ट हो जाता है, जो भी एक्सपेसिव रीजन है वो आपको पेपर उठाने से पता चलेगा। तो अप एंड डाउन आए तो सबसे सही तरीका, जैसे डाउन हो अप वाले दिन ये सोचो कि नेक्स्ट डे भी अप रखना है, डाउन वाले दिन ये सोचो कि नेक्स्ट डे अप लाना है। तो उसके लिए ये होगा कि आप पेपर एनालिसिस करो, अप एंड डाउन अपने आप धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं। और दूसरा जैसे चैलेंज होता है, अगर मैं 11th की स्टूडेंट की बात करूँ, रिपीटेड स्टूडेंट्स होते हैं उनका फिर भी एक्सपीरियंस होता है, बट जो बच्चे 11th से या फिर आजकल तो 9th-10th से भी तैयारी चालू हो जाती है, तो उस बच्चे का दिक्कत होता है होम सिकनेस की, बड़ी दिक्कत आती है। जैसे मुझे, मैं पर्सनली घर से कभी दूर नहीं गई थी, मैं 11th में पहली बार जैसे सीकर गई थी, मैं तो सीकर गई थी तब ये था कि घर की याद आती थी, घर के खाने की याद आती थी, तो फिर उस टाइम पे वो दिक्कत रहती थी कि यार घर जाना है, मतलब कभी गई नहीं थी। तब मेरे हिसाब से घर जाने वाली दिक्कत को दूर करने का बेस्ट तरीका बिजी रहना होता है, क्योंकि अगर एक पर्सन कंटिन्यूसली बिजी है, उसको पता है कि उसके पास दिन में 7 घंटे हैं, 7 घंटे उसको काम करना है, तो अपने आप होम सिकनेस दूर होने लगती है। वो होम सिकनेस दूर करने का ये तरीका तो नहीं हुआ ना कि आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे घर पर बात कर रहे हो लगे हुए, मतलब कंटिन्यूसली टाइम वेस्ट है ना, क्योंकि आपको पता है जो काम करने आए हो, जब घर छोड़ ही दिया है, जब पीछे छोड़ के आए हो, तो फिर उनको भी इफेक्टिव रिजल्ट हो। अगर आज मैं 2 साल बाद घर गई हूँ, घर वालों से मिलती हूँ, तो उनके चेहरे पे खंसी है कि हाँ मैंने ये अचीव किया है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को खुशी देना चाहते हो, तो आपको दिमाग में होना चाहिए ठीक है मैं शेड्यूल को फॉलो करता हूँ, अपने आप होम सिकनेस छोड़ने लग जाएगी और अपने आपको आदत पड़ जाएगी वहां रहने की। अब वो मेरे को भी 2 साल में आदत पड़ गई थी सीकर की, आप भी जहां भी रह रहे हो, जो घर से तैयारी कर रहे हो उनके साथ तो ये नहीं होगा, पर जो जहां पर भी रह रहे हैं आपको आदत हो जाएगी अगर आप अपने शेड्यूल को मन से, आपको मतलब खुद पर्सनली खुद को आपको सच पता है कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो अपने आप दिक्कत दूर हो जाए। एक जैसे चैलेंज आता है जो बच्चों के साथ में, जैसे कि डाउट नहीं पूछते, होता ना एक मैं लाइन बोलती हूँ डाउट के लिए कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर। अगर आप डाउट पूछने के लिए सच में शर्म कर लो, सच में आपके कर्म फूटेंगे, क्योंकि मतलब डाउट एक ऐसी है ना, एक की है नीट के लिए। मेरा ये मानना है कि मैं बोर थी, मैं मेरी क्लास की डाउट कर मानी जाती थी, क्योंकि मैं इतने डाउट में डाउट के लिए 2-2 घंटे भी क्लास के बाहर बैठी रहती थी जब तक मुझे टीचर डाउट नहीं करते थे। तो डाउट तो पूछने ही पड़ेंगे। अब वो है या तो स्टूडेंट है, या तो आप 11th में जब आपके डाउट आ रहे तब पूछो, या 12th के एंडिंग में जब नीट आपके सर पे है तब आपको रियलाइज हुआ कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, तब डाउट पे पूछो। तो बेटर यही है कि जब आपको पता चल गया कि मेरा डाउट है, हाथों हाथ क्लियर करो, क्योंकि टीचर आपको कभी मना नहीं करेगा डाउट के लिए। मैंने इतने बकवास डाउट पूछे हुए ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब मेरे को तो पाइथागोरस थ्योरम में डाउट आ रहा था कि इसको कैसे अप्लाई करूं, बट
ड्यूरिंग जो मैंने डाउट पूछे पूरी 11th, इसने मुझे 12th में बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि 12th में मेरा लेवल बढ़ गया था, चीज़ों को समझने का, अप्लाई करने का लेवल एक अच्छा हो गया था. तो डाउट तो पूछने ही पड़ेंगे. डाउट पूछने के उस तरीके, जैसे मैं एक डाउट डायरी मेंटेन किया करती थी, उसमें मुझे जो भी डाउट, सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होता, डाउट थ्योरी से रिलेटेड भी होता है. जैसे मैं थ्योरी पढ़ती थी तो मेरे को ऐसे होता था कि टीचर ने चीज़ ऐसे समझाई है, बट अगर मैं इस चीज़ को ऐसे समझना चाहूँ तो क्या होगा उसमें, तो मैं उसको एज अ डाउट लिखती थी. तो आप एक डाउट डायरी मेंटेन कर सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन करें तो आप नोट करके रख लीजिए मेरे डाउट है. डाउट पे जो क्वेश्चन होंगे कभी मत छोड़िए उनको, हमेशा अपने क्वेश्चन को साफ मार्क राउंड जो भी तरीके उनको हाईलाइट करिए कि ये मेरे क्वेश्चन है, क्योंकि बिलीव जो आपके पास डाउट है ना, कल ही वो पेपर में क्वेश्चन पक्का आ जाएगा. ऐसा होता है, अगर आप पहले दिन उसको छोड़ते हो, अगले दिन वो पेपर में वो, तो ना मैं उसको राक्षस बोलती हूँ, वो मेरे को सामने ही गिरता था कि ये तेरा डाउट है, मैं आज ही आ गया. तो अपने डाउट को हमेशा क्लियर करें. So, इसी के साथ आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यार मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट करी है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, जाके आप फ्री साइन अप कर सकते हैं उसमें. उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा. और साथ ही मैं आपको मैं फ्री लाइव क्लास दे रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें क्लास 11, क्लास 12 जो भी जेईई एस्पिरेंट्स है, जो भी नीट एस्पिरेंट्स है, पूरा डिटेल स्क्रैच से सब कुछ कवर कर रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पर. तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड हर जगह शेयर जरूर करना. और अभी तक आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट के अंदर बताइए. और आपको ये दीदी की जो बातें हैं कुछ समझ में भी आ रही है, सब हवा में निकल रही है, वो भी बताइए जरा, ठीक है. और साथ ही में इसके साथ आपके फोर्थ क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कागा कि आप अपने पर्सनल टिप्स इनको क्या देना चाहोगी जो आपकी ये नीट की सक्सेस है. एक जो मैं कहती हूँ बात कि देखो, हमें नहीं पता था कि रिजल्ट क्या होता है, हमें किसी भी चीज का रिजल्ट नहीं पता था, हमको अंतर्यामी नहीं है. हमारे पास सिर्फ एक ही काम जो हम कर सकते हैं वो है हार्ड वर्क. हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि एंड रिजल्ट क्या होगा, किसी के लिए पॉजिटिव आता है, किसी के लिए नेगेटिव आता है. बट एक बात जो मैं खुद को हमेशा कहती थी, जैसे मैं जब गई थी 2 साल पहले यहाँ से, जब मैं नीट के लिए निकली थी घर से, तब मैं एक बात सोच रही थी. जैसे मैंने सबसे बात तो हम करते ही ऑब्वियसली बात है, कोई भी हम चीज़ शुरू करते तो हम राय लेते हैं लोगों से. तो मैंने जब पूछा तब एक कॉमन बात जो लोगों के बीच में आती थी कि काश हम उस टाइम वो कर लेते जो जिनका नहीं हुआ था. उन्होंने मुझे कहा था कि हम उन्हें उस टाइम वो गलती कर दी, हम वो नहीं करते. तो मैं एक बात सोच रही थी कि 2 साल की जर्नी में मुझे जो भी करना होगा ना मैं कर लूँगी. मैं अपने साथ घर एक चीज वापस नहीं लाऊंगी, वो गई काश. मेरे दिमाग में कभी ऐसा आज भी कभी नहीं होता कि मैंने काश उस टाइम वो कर लिया होता. नहीं, मुझे जब जो चीज पता चलती थी, जब मुझे किसी टीचर ने बता दी, किसी से भी मुझे पता चला कि हाँ कागज तुझे ये चीज करनी चाहिए, मैं अप्लाई कर लेती थी. तो आप भी बस ये काश मत लेके जाना. आपको 1 साल है आपके पास, 2 साल है, जितना भी टाइम है आप उसमें जितना बेस्ट दे सकते हो ना करना, क्योंकि बाद में सच में एक अच्छी फीलिंग होती कि हाँ. मेरे पापा मुझे एक बार कहते थे जब मैं कहती हूँ नीट में नहीं हूँ, तो वो कहते बेटा तेरा नीट में तो यूपीएससी कर देगी. मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड था उनका कि ठीक है तूने इतनी मेहनत की तो कहीं तो रंग लाएगी ना वो. तो अब मतलब वो काश है ना हम लेके मजा ना बिलीव यू, बहुत गिल्ट और जो रिग्रेट होता है बहुत ही खराब चीज लगती है मुझे. तो काश मतलब लेके जाना, जो करना है आपके पास इतना भी टाइम उसको अपना बेस्ट देके जाना, ताकि जाओ ना तो एक स्माइल होनी चाहिए क्या क्या जर्नी चाहिए. जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो नीट मेरी लाइफ का एक ऐसा चैप्टर जिसको मैं हमेशा खोल के पढ़ना चाहूंगी. आप भी अपना जो जर्नी है उसको एक ऐसा चैप्टर बनाए उसको हमेशा खोल के पढ़ना चाहिए. सर इसी के साथ काबे मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि यार जैसे सबकी एक इमेज होती है कि मेरे को इसी प्रकार का डॉक्टर बनना है, इस फील्ड का डॉक्टर बनना है, तो आपके दिमाग में वो इमेज होगी, तो यार आपने वो इमेज क्या बना रखी है जरा व्यूअर्स को बताइए और थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करी बट ब्रीफली में. बट जैसे ये था कि क्या ब्रांच लेनी, तो ऐसा मेरे दिमाग में कुछ नहीं है कि मुझे कौन सी ब्रांच लेनी, क्योंकि मेरा मानना है कि भाई चलते हैं लोग जुड़ते हैं कारवा बनता है. तो ऐसे है कि अगर मैं MBBS करूँगी उसमें मुझे फील होगा कि ठीक है मैं इस ब्रांच में अच्छी, मैं वो ब्रांच ले लूँगी, और मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं तो यही ब्रांच ले, मेरे को फुल फ्रीडम है मैं जो भी ब्रांच लूँ. अब ये है कि हाँ ये इमेज मेरे दिमाग में जरूर है कि मुझे कैसा डॉक्टर बनना है. जैसे सबके लिए बेस्ट की अपनी डेफिनेशन होती है, तो मेरे लिए भी बेस्ट डॉक्टर की जो डेफिनेशन है, मेरा ये मानना है कि अगर मैं कोई डॉक्टर बनी हूँ और कोई बंदा मेरे पास आता है इलाज करवाने के लिए, तो उसके मन में एक ऐसा विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं इस बंदे के पास आया हूँ तो कुछ बेहतर ही करेगी, मेरे साथ कुछ अच्छा ही करके भेजेगी. तो मैं एक फेथ जो है ना लोगों में क्रिएट करना चाहती हूँ अपना कि ठीक है वो आया है उसको उसके पैसों का हक आना चाहिए. क्योंकि मैं जैसे बिजनेसमैन की बेटी हूँ तो मुझे पैसों की वैल्यू अच्छी तरह से पता है. तो मुझे लगता है किसी ने मुझ में इन्वेस्ट किया है, मैं उसे जितना भी ले रही हूँ उसको पूरा उसका हक दे के भेजूँ, एक अपनी तरफ से बेस्ट दूँ. और एक जैसे मैंने देखा है कुछ केसेस में कि जैसे बुजुर्ग और आते हैं तो उसे ढंग से ट्रीटमेंट नहीं करते. तो मुझे एक बात किसी ने कही थी कि काका कोई बंदा अगर तेरे पास आ रहा है, मैं डॉक्टर हूँ, तो ऑब्वियसली बात उसकी कंडीशन अच्छी नहीं, उसकी कंडीशन ऑलरेडी खराब है तभी वो मेरे पास आए, और अब मैं उसके साथ और बुरा व्यवहार कर रही हूँ तो ये कोई तरीका थोड़ी है. ऑब्वियसली बात उसको अभी फिलहाल आपको जरूरत है कि उसको आप रोको, उसको थोड़ा समझाओ, उसको अच्छी तरह से ट्रीट करो. और मैं उसको इल ट्रीट करूँगी तो क्योंकि मेंटली अगर पर्सन ये प्रिपेयर हो जाता है ना कि उसको जीना है तो उसके दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती.
क्योंकि मेंटल इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना किसी पर्सन का कि अगर वो जीना चाहता है, इवन वो कैंसर पेशेंट है, व्हाटएवर उसको बीमारी है, वो जीना चाहता है ना वो जी लेता है। और अगर कोई पर्सन जीना नहीं चाहता ना तो वो कितना भी उसकी कोई छोटी मोटी बीमारी तब भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों में ये बिलीव दिलाऊँ कि हाँ तुम जी सकते हो, ये बिलीव मैं लोगों में क्रिएट करना चाहती हूँ। तो बस मेरे को किस तरह का एक डॉक्टर बनूं। काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग था यार। तो इसी खास आज के पॉडकास्ट को अपने खत्म करते हैं। और आपको ये पूरा पॉडकास्ट कैसे लगा तो प्लीज कमेंट के अंदर बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। आपको मैंने नोटिफिकेशन बताया था केमिस्ट्री आपको फ्री में लाइव पढ़ा रहा हूं एकेडमी पे, फिजिकल केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूं इसी यूट्यूब चैनल पर। तो बेल आइकन पे जरूर पे क्लिक करना ताकि जैसे कोई लेटेस्ट वीडियो आए आपके पास नोटिफाई हो जाए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करो, और सबसे पहले अपने जितने भी नीड एस्पिरेंट है हर जगह शेयर करो, हिंदी फेमस हो जानी चाहिए। सो इसे मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।